वेरी गुड मॉर्निंग, वन सेकंड, वेलकम टू H9 ऑटोमोटिव। आज हम लोग जो गाड़ी के ऊपर काम करने वाले हैं वो रहने वाला है क्रेटा का N9 मॉडल। गाड़ी को लेके क्लाइंट को सिर्फ 2 दिन का टाइम हो गया था। ब्लैक जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव कलर है, उसके ऊपर आप बेसिक वॉशिंग भी अगर करोगे तो उसके ऊपर माइनर स्वर्ल्स जो है वो हैपन होने ही वाले। डिटेलिंग के प्रोसेस में उतना मेजर पेंट करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि गाड़ी का पेंट काफी फ्रेश है। वेरी गुड मॉर्निंग, वन सेकंड, वेलकम टू H9 ऑटोमोटिव। आज हम लोग जो गाड़ी के ऊपर काम करने वाले हैं वो रहने वाला है क्रेटा का N9 मॉडल। गाड़ी हमारे पास अभी रिसीव की हम लोगों ने, गाड़ी को लेके क्लाइंट को सिर्फ 2 दिन का टाइम हो गया था, बट गाड़ी के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे स्वर्ल्स एंड कंटामिनेशन के मार्क्स थे। ब्लैक जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव कलर है, उसके ऊपर आप बेसिक वॉशिंग भी अगर करोगे तो उसके ऊपर माइनर स्वर्ल्स जो है वो हैपन होने ही वाले। वही कंसर्न के लिए क्लाइंट ने जब हम लोग को गाड़ी दिखाने के लिए लेके आए, हम लोगों ने उनको रिकमेंड किया क्यों ना आप गाड़ी के ऊपर सेरामिक और PPF का एप्लीकेशन कर लो। क्लाइंट को हम लोगों ने जब भी PPF का एडवांटेजेस समझाया तभी उन लोगों ने आर्मिंडा, जो हमारा पर्सनल इनहाउस ब्रांड है, उसका 5 ईयर्स वारंटी वाला 200 माइक्रोन वाला PPF जो वो चूज किया। गाड़ी को हम लोग PPF लगाने से पहले पूरा अच्छे से थरोली वॉश करके लिए, उसी के साथ हम लोगों ने गाड़ी को किया अच्छे से डिटेलिंग। डिटेलिंग के प्रोसेस में उतना मेजर पेंट करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि गाड़ी का पेंट काफी फ्रेश है। उसके ऊपर जो माइनर स्वर्ल्स रहते उसको हम लोगों ने कंपाउंडिंग करके पूरा हटा दिया। ये सब हो जाने के बाद हम लोगों ने गाड़ी के ऊपर आर्मिंडा ब्रांड का 5 ईयर्स वारंटी वाला PPF का एप्लीकेशन किया। PPF के एप्लीकेशन कलर टाइम हम लोग जो है डोर के हैंडल्स, हेडलाइट, टेल लाइट जितने पॉसिबल हो सके उतने ज्यादा हम लोग खोल देते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स का कंसर्न रहता है कि यार खोल दोगे, फिटिंग कौन करेगा, अच्छे से होगा नहीं होगा, वारंटी में इश्यू होगा नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका कोई भी पार्ट गाड़ी का सॉकेट टू सॉकेट रहेगा और उसको आप सॉकेट टू सॉकेट ओपन कर रहे या फिर क्लोज कर रहे रहोगे तो वहाँ पर आपका वारंटी का इशू नहीं आएगा। अनलेस एंड अंटिल आपके गाड़ी का जो कोई भी वायरिंग है अगर कट करो तो ही आपके गाड़ी का वारंटी का इशू आपको आ सकता है। तो हम लोगों ने ये गाड़ी का पूरा जितना खोल सके उतना खोल दिया। उसके बाद किया PPF का एप्लीकेशन। PPF का काम जैसे ही हो गया उसके ऊपर हम लोगों ने फिल्म का भी एप्लीकेशन किया। हमारा फिल्म तो आपको पता ही है 100% UV एज वेल एज 97% IR एंड 70% विजिबिलिटी विच इज़ रोड लीगल उसके साथ आता है। तो इससे आपको बेटर ड्राइव करने की एबिलिटी जो है वो मिलती है। उसी के साथ आपके गाड़ी के अंदर धूप भी बहुत ज़्यादा कम आता है। धूप कम आने की वजह से आपको गाड़ी के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन फील नहीं होता है, ज़्यादा चटके भी नहीं लगते और गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा भी आता है। यही सब एडवांटेजेस के साथ आपको और एक एडवांटेज मिलता है, वो रहता है AC का कूलिंग जल्दी हो जाता है। AC का कूलिंग जल्दी होने की वजह से कंप्रेसर के ऊपर लोड नहीं आता है। कंप्रेसर के ऊपर अगर लोड नहीं आएगा तो आपका इंजन पावर भी कम कंज्यूम होगा, उसकी वजह से एवरेज में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाता है। अगर आपको भी आपके नए नवेली गाड़ी को ऐसा कुछ काम करवाना रहेगा तो आप हमारे पास ज़रूर आ सकते हो। मैंने हमारे पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा या फिर आपके किसी दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी रहेगी और आपको लगता है कि उनके गाड़ी को भी उनको सेफ रखना चाहिए तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अभी थोड़ा बहुत आफ्टर शॉट का मजा लीजिए। I just need a little more. Rocking out too low, not sure. Making that thing swing back and forth.